वरना लाइट गई बे, अरे ये बाप क्या सीन हो गया? रे, वो लाइट गई भी गई। नहीं है। गुड मॉर्निंग ऑल एम स्किन्स, कैसे हैं आप लोग? जस्ट अभी अभी मेरी आँख खुली है और मेरे बाजू में देखो, जब नई नई शादी होती है, हस्बैंड सोते रहता है, वाइफ उसके लिए चाय बना के लाती है, फुल वही वाला माहौल है एकदम। घर में मैं नया हूँ ना अभी। दो चाय बहुत सारी खारी ले भारी। ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं, नहीं तो पब्लिक बोलेगी क्या मियाँ बीबी की बात कर रहे हो तुम। जो नई नई शादी होती है ना, तो वो हस्बैंड और वाइफ का प्यार होता है, ये दोस्तों का प्यार है। आँख खुली नहीं, चाय हाजिर सीधा। हेलो नमस्कार, वालेकुम वाला मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमसिन खान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल MSK। जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो आसपास काफ़ी लोग होते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है, और उस वक्त मेरा जो मी टाइम होता है वो मिस हो जाता है। मेरे लिए मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है। मी टाइम में मैं किताबें पढ़ता हूँ, अपने आप से बातें करता हूँ, और जो भी मेरे लाइफ के गोल्स हैं उसको मैं रीड करता हूँ, जो कि ट्रैवल में थोड़ा सा मिस हो जाता है। इसीलिए मेरे को ट्रैवल से ब्रेक चाहिए होता है, और ये वाला जो ट्रैवल था ये काफ़ी लंबा हो गया। मतलब मेरे लिए 10-15 दिन का ट्रैवल ठीक है, उसके बाद अपना मी टाइम चाहिए होता है। तो अभी मेरा जो मी टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है, और ये वाला जो वीडियो है, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने आप लोगों की हेल्प ली है। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाला था कि जो भी आपके सवाल है इस ट्रिप से रिलेटेड मुझसे आप जरूर पूछना। देखो मुंबई आने के बाद फ्लो आ गया ना अपना, पहाड़ों में ऑक्सीजन की कमी होती है, अपन फंबल मारता है, लेकिन जैसे मुंबई में आता फ्लो पकड़ लेता है। मुझे लग रहा था ये वाली चीज़ कोइंसिडेंट है, लेकिन ये कोइंसिडेंट नहीं है। जब मैं श्रीनगर में गया था उस टाइम पे, मेरे आने से पहले, हम लोग के आने से पहले वहाँ पर गर्मी थी, लेकिन जैसे पहुंचे बारिश शुरू हो गई। और मुंबई में भी जब मैं निकला था, शफीक गवाह है, शफीक बता थोड़ा क्या चीज़ तूने नोटिस किया? तूने निकला उसी सुबह बारिश रुक गई। बारिश रुक गई जब मैं जाने से पहले, बारिश काफी थी, तेरे लेट जाने का कारण वही था, बारिश थी। हाँ, और जब मैं आया उस दिन बारिश स्टार्ट हुई, बारिश खतरनाक शुरू, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। चेंबूर की न्यूज सुना तूने? लोगों की डेथ हो गई यार, मजाक, मतलब मजाक सेट की बात है ये। बट जहां हम जा रहे हैं बारिश अपने साथ लेके चल रहा है। तू जहां जा रहा बारिश आ रही है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये कोइंसिडेंट नहीं है, कुछ तो है, अपने सर पे कोई बैठा है। ये वीडियो बनाने के लिए जिस तरह से आप लोगों की हेल्प लग रही है, उसी तरह से शफीक भी हेल्प करेंगे। शफीक सवाल क्या है मेरे को बता। स्कूटी मतलब होंडा डियो, हाँ, लेके क्या लद्दाख की ट्रिप मार सकते हैं? मैं अभी पिछले कुछ दिनों से एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, एक कोई अल्लाह का बंदा है जो कोलकाता से राइड शुरू किया है, और पूरा घूमते घूमते यहाँ उड़ीसा, कन्याकुमारी और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होके वो लद्दाख पहुंचा है। और वो किस में पहुंचा है पता तुझे? साइकिल। साइकिल पे। आप स्कूटी की बात कर रहे हो, मैंने वहां पर लद्दाख में स्प्लेंडर कुछ लाते हुए देखा है। जज्बा जुनून दम राइडर में होता है, बाइक में नहीं, ये बात ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन बता शबी। दूसरा क्वेश्चन है, आराम से बैठ जाए यहाँ पर। दूसरा सवाल है, पेट्रोल जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा महंगा है, कितना लगा? पेट्रोल का जो एक्सपेंस है, अकाउंट देखना पड़ेगा। ज़्यादातर जगहों पे मैंने ATM कार्ड से पेमेंट किया था पेट्रोल के लिए, लेकिन कुछ कुछ जगह थी जैसे मंडी और लद्दाख में और कारगिल में, कहीं तो ऐसा था जहाँ पर हमने कैश पेमेंट किया था। हिसाब मोटा मोटा बताता हूँ कितना हुआ है, क्योंकि ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस भी तो ज़्यादा हो गया ना। ट्रिप कब शुरू हुई थी? 20 आई थिंक सो 19 से ले लेते हैं। 14,600 हो रहा है, और बाकी का चिल्लर विल्लर जोड़ेंगे तो कम से कम समझ लो 16,000 का पेट्रोल लगा है। 17,000 पकड़ लो, 17,000 का पेट्रोल लगा है। 25 दिन ट्रिप पे था, 750 रुपये समझ ही लो। ट्रिपवर का क्या रोल था इस ट्रिप पे? ट्रिपवर एक ट्रैवल कम्युनिटी है, जैसे मैं हूँ और मेरी कम्युनिटी है, जैसे आप लोग हैं, उसी तरह से ट्रिपवर की एक कम्युनिटी है जहाँ पर लोग आते हैं, आपस में ट्रैवल करते हैं, और जो मैनेज करते हैं वो हम जैसे ही लोग हैं, जैसे गुरुफराज सर हो गए, आदित्य हो गया, ये लोग मैनेज करते हैं। तो अगर मान लो आप अकेले हो और घूमना फिरना चाहते हो, या फैमिली के साथ हो, या कहीं पे भी हो अगर घूमना चाहते हो, तो ट्रिपर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। वरना लाइट गई बे, अरे बाप, ये क्या सीन हो गया? लाइट भी गई है, लाइट गई है यहाँ पर, पानी भी कट ऑफ हो गया ना। हाँ, पानी कट ऑफ है, पानी भी नहीं आया, पानी का भी वार्निंग दे के रखे हैं, ये क्या हो क्या रहा है अपने साथ? हम अपने LED लाइट से काम चलाएंगे अभी, क्योंकि व्लॉग तो करना है। पहले इससे पहले लद्दाख किया आपने, वो टाइम पे आपको सिकनेस, एल्टीट्यूड जो सिकनेस था, क्यों हुआ? इस टाइम पे प्रॉब्लम इसीलिए हुई थी क्योंकि सारचू में वो 2-3 घंटा जो रुके थे वो भारी पड़ा था, वैसे पहुंचने तक सारचू में कुछ नहीं हुआ था। और इस टाइम हमने प्लान भी बनाया था कि सारचू में रुकेंगे नहीं, लेकिन नोटिस किया है मैंने कि हर साल जब भी जाता हूँ वो होता ही है, क्योंकि देखो बॉडी वहाँ जाती है तो उस माहौल के हिसाब से एक्लेमेटाइज हो जाती है, जब मुंबई आते हैं तो नॉर्मल हो जाती है, फिर वापस जाएंगे तो वापस होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार हो गया तो दूसरी बार नहीं होगा, जब भी जाओ तब भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। अगर आप बॉडी बिल्डर हो, फुल ऑन एकदम तरोताज़ा फ्रेश, एकदम फिटनेस विटनेस भी करते हो, तो भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। अच्छे से अच्छे लोग को हो जाता है माउंटेन सिकनेस। अनप्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल
इंग्लिश लाइट का हमने आधे घंटे तक वेट किया, अब पता नहीं कब आएगी, तो हमने सोचा कि चलो अपना व्लॉग शुरू चालू स्टार्ट कर देते। इस ट्रिप पे सबसे महंगा एक्सपेंसिव मोमेंट कौन सा था? जान से बढ़कर क्या एक्सपेंसिव हो सकता है। जब मैं पैंग पहुंचा था ऐसा लग रहा था कि आत्मा जो है ना बाहर निकल जाएगी। वो व्लॉग का टाइटल क्या था? मौत को छू के वापस आया। से वापस वही सीन था। तो सबसे एक्सपेंसिव मोमेंट वो था, और अच्छे मोमेंट्स तो हर जगह पे थे। जैसे लिखा वैसे पढ़। How you kept yourself motivated in trip with so much trouble, problem and etc. जब पहले शुरू में ट्रैवल करता था ना, तो ये सब चीजें होगी ये पता नहीं था, लेकिन जब एक दो ट्रैवल शुरू किया और पता चला कि हर ट्रैवल में कुछ ना कुछ ऐसे होता ही है, तो अभी यूज्ड टू हो गया हूँ। मतलब पहले से पता होता है कि कुछ ना कुछ तो होना ही है, पहले से प्रिपेयर रहो, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, तो ट्रैवल में जा रहे हो तो समझ जाना कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होना ही है, पहले से प्रिपेयर रहो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पहले से प्रिपेयर नहीं रहे ना, सर के बाल नोच लोगे आप। तो ये चीज नोटिस अपने पास जो लाइट है, क्या खतरनाक लाइट है, पूरा घर उजाला हो गया। हां, ऐसा लग ही नहीं रहा है कुछ। कौन सी प्लेस पर ज्यादा मजा आया? एक्चुअली ये मेरा भी सवाल था। मनाली, लद्दाख, कश्मीर। हर एक जगह का अपना अपना फ्लेवर होता है। कश्मीर का अलग है, मनाली का अलग है, लद्दाख का अलग है। तीनों जगह पे उतना ही मेरे को मजा आया। तीनों ही जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, कंपेयर नहीं कर सकते। मुझे कश्मीर का लगा, जो बोट हाउस बोटिंग का जो था वो उसका फील अलग है ना। अब तो अगर लद्दाख जाएगा तो लद्दाख का तू देख, लद्दाख का जो लैंडस्केप है, लद्दाख में जो सीनरी है, वो तो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इट्स लाइक हेवन ऑन अर्थ। हां, बट मुझे ऐसा रेट करना हो तो मैं कश्मीर, लद्दाख एंड मनाली नहीं कर पाएगा रेट। तू अगर जाएगा ना उस जगह पे, मैं वीडियो में देख रहा हूँ ना, तू नहीं कर पाएगा, तू फील किया है। नहीं, तू जाएगा तू भी नहीं कर पाएगा। और ये सवाल है, ये ऐसे लोग हैं जो मेरा खर्चा ज्यादा करवाना चाहते हैं। भाई, न्यू कार कब आएगी और कौन से सेगमेंट पे आएगी? न्यू कार मेरे बर्थडे के दिन आएगी, 9th of December। वो कौन सी आएगी वो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 4x4 होगी, और अभी जो अपनी कार है उसको मॉडिफाई करना है, तो अभी का ये अपडेट है। मुझे पता था कि तू हर एक बर्थडे पे अपने आप को कुछ गिफ्ट करता है, मुझे पता था ये। वो कार लेने के बाद में सबसे पहला ट्रिप अपनी फैमिली के साथ होगा, और मैं सोच रहा हूँ राजस्थान जाएंगे इंशाल्लाह। हाथ दुखने लगे अरे, ये लेंस की वजह से ना कैमरे का वेट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन थोड़े टाइम ऐसे पकड़ के रखो तो हाथ दुखने लग जाता है। लद्दाख में टाइगर का परफॉर्मेंस कैसा था? बेस्ट परफॉर्मेंस, ऐसा लग रहा था कि टाइगर बनी है लद्दाख के लिए, सबसे बेस्ट अभी तक। मतलब जिस बाइक से मैं कंप्लीट सैटिस्फाइड खुश होना, वो टाइगर है। मतलब टाइगर टाइगर है। ये सवाल तो बहुत ही बढ़िया है, शादी वाला ही सवाल होगा, पता है मेरे को, तू साले मेरे को पता है। आप बहुत मेहनत करते हो, हाँ, बट शादी क्यों नहीं करते? बहुत मेहनत करता हूँ, उसका शादी से क्या ताल्लुक है? लोग मेहनत करते हैं, अच्छी नौकरी पाते हैं, सरकारी नौकरी से जो पीछे पड़ते हैं, हाँ। उनका एक होता है ना, सरकारी मतलब शादी पक्की। मेरे को कुछ समझ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशन वांट टू नो पूनम जी है कौन? ये एक हमने स्पेशल वीडियो बनाया था, मुझे पता था कि आगे चल के भी लोग पूछेंगे, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था। वीडियो का लिंक आपको आई कार्ड पे मिल जाएगा, आप वीडियो जरूर देख लें। Why did you? Why did not? तेरा इंग्लिश थोड़ा ना पैदल है। पैदल नहीं लगड़ा है ना। Why did not you use your 360 कैमरा? देखो इंग्लिश अच्छी नहीं इनकी राइटिंग वैसी। 360 कैमरे में ना, मतलब देखो ऐसे अगर शूट करना मैं कर लूंगा, लेकिन ना उसमें एडिटिंग करना होता है, वो एडिटिंग जो है वो लैपटॉप में होता नहीं है, मोबाइल में एडिटिंग करना होता है, तो मुझे 360 कैमरे का एडिटिंग नहीं आती है। और वो आती है लेकिन उसके लिए वक्त लगता है, और वक्त ट्रैवल में नहीं होता, इसलिए मैंने यूज ही नहीं किया। लेके गया था अपने साथ में, लेकिन मैंने यूज नहीं किया। आरटीपीसीआर कितनी बार? जब हम लोग दिल्ली में गए थे वहां पर करवाया था आरटीपीसीआर, फिर उसके बाद में जब श्रीनगर से मुंबई आना पड़ा था वहां पर करवाया था आरटीपीसीआर, तो ये ट्रिप में 2 बार आरटीपीसीआर हो चुका है। आप मनाली में मुंबई का निखिल से मिले? ये क्वेश्चन मैं पढ़ता, आप लोग जब मनाली में मुंबई का निखिल भाई आपसे मिले थे, क्या क्या बातें? प्लीज ये बात तुम लोग को पता कैसे चली यार? ये बात तो किसी को भी मुझे तक नहीं पता चली। ये बात कैसे लीक हुई? और अगर पता ही है तो फिर बता देता हूँ कि बातें बहुत टॉप सीक्रेट वाली हुई है, नहीं शेयर कर सकते। ये बात पता कैसे चली? ये तो किसी को नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम भाई, अगर मैंने किसी ग्रुप को ज्वाइन करना हो मनाली टू ले के लिए, तो कहाँ से हो सकता है वो सब? सबसे बेस्ट बताओ, आप ट्रिपवर को कॉन्टेक्ट करो। जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रैवल कम्युनिटी है, वहां पर लोग कम्युनिटी में ही ट्रैवल करते हैं, यू कैन ज्वाइन देम, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल कम्युनिटी। हो गया फिर लगे रे। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आप लोगों को इस वीडियो को बनाने में मेरी हेल्प करने के लिए, आपके सवाल भेजने के लिए। थैंक यू कहना चाहूंगा शफीक को। अगर आप यहाँ पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और कल के दिन मेरा खर्चा होने वाला है, मतलब यही होता है ट्रैवल में खर्चा होता है, जब ट्रैवल करके वापस आता हूँ तब खर्चा होता नहीं, है। नहीं नहीं, ट्रैवल से पहले खर्चा, जाने में खर्चा, आने में खर्चा। ट्रैवल के पहले वाला जो खर्चा होता है ना, वो अच्छा लगता है, वो एक्साइटमेंट होता है, वो अच्छा लगता है, शॉपिंग करना, वो ये खरीदना वो खरीदना, ये सोच के। लेकिन ट्रैवल में जो होता है खर्चा, वो तो चलो समझ में आता है, ट्रैवल के बाद जो वाला खर्चा ना, वो समझ में नहीं आता, वो आने के बाद होता है।
एक दर्द मिला मतलब ठीक है कल होगा शायद से मैं मैकबुक प्रो लूंगा कल जाके, क्योंकि ये वाला जो लैपटॉप है, ये वाला जो मेरा लैपटॉप है मैकबुक प्रो, इसमें ऐसा है कि इसको चार्ज पे लगा के रखता हूँ तो ये काम करता है, लेकिन ये कभी कभार स्लो चलता है कभी कभी सही चलता है, ये अपनी मर्जी का मालिक हो चुका है, तो ये ट्रैवल में जाने के लायक नहीं है, ट्रैवल में कभी भी धोखा दे सकता है, तो ट्रैवल के लिए मुझे एक लैपटॉप लेना पड़ेगा और मैं सोच रहा हूँ कल जाके ले लूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ कह नहीं सकते। बाबा टेक केयर, खुद हाफिज, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बूम। 1500 पकड़, फिर 1200 पकड़, 1300 पकड़, तो जोड़ना, पकड़ ले कौन पकड़ेगा यहाँ पर, जोड़ थोड़ा।